आपका होस्ट एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप फेसबुक पे किस तरह अपना पेज बना सकते हैं और इस पेज बनाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को बकायदा शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम मज़ीद मेहनत के साथ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप फेसबुक ओपन करें और थ्री लाइंस को क्लिक करें। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो पेजेस लिखा हुआ है सबसे ऊपर, ये इसको आपने क्लिक करना है। तो ये पेजेस की जो सेटिंग वाली ऑप्शन होगी वो पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इस जगह पे क्रिएट पेज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा इस तरह के इंटरफेस के साथ। इधर आपने गेट स्टार्टर पर क्लिक करना है तो आपके सामने फोर स्टेप पेज ओपनिंग प्रोसेस ओपन हो जाएगा। इस जगह पे आपने सबसे पहले अपना पेज का नाम लिखना है, वो आप अपने YouTube चैनल के मुताबिक भी लिख सकते हैं या जिस तरह का आप इस पे मटेरियल अपलोड करेंगे उसी के हिसाब से इधर आप अपना इसका अपने पेज का नाम बना लेंगे, वो पेज लिखेंगे और पेज का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसके ऊपर हमने अपने पेज की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है कि ये हमारा वीडियो म्यूज़िक है, वीडियो है या किस कैटेगरी का है, पर्सनल है या पर्सनल ब्लॉग है, जो आप कैटेगरी का बनाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद अगर आपने इस पेज के साथ कोई वेबसाइट अटैच करनी है तो वो ऊपर वाले एंटर वेबसाइट वाली जगह पे आप लिख देंगे। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो नीचे जो टिक लगा है आई डू नॉट हैव अ वेबसाइट, इसको टिक करके नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इसके ऊपर आपने ऐड इमेजेस टू दिस पेज, इधर आप इसका जो कवर फोटो है वो अपलोड करेंगे। कोई मर्जी आपने पहले कवर फोटो बनाया होगा तो वो आप अपने गैलरी में से सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह इसको आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये कवर फोटो जो है ये अपडेट हो जाएगा। और आप जो इसका आप प्रोफाइल पे पिक्चर आप लगाना चाहते हैं वो भी इधर से लगा सकते हैं। अगर आपकी गैलरी में जहाँ पड़ी है जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में देख लेना किस जगह पे आपकी वो फाइल पड़ी है, तो आपने उसको क्लिक करके वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। वो इस तरह आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी अपडेट हो जाएगी। इस तरह देखें और डन कर देंगे तो आपका ये पेज जो है ये मुकम्मल हो जाएगा, इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने दोबारा बैक चले जाना है मेन पेज पर और उसी तरह आपने थ्री लाइन्स को क्लिक करना है और फिर पेजेस को क्लिक करना है। तो आपके सामने जो पेज आपने बनाया है वो या जो पहले पेज होंगे वो नीचे शो हो रहेंगे। तो जो आपने पेज नया बनाया है उसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। इधर आपसे पूछा जाएगा कि आप इसमें कोई बटन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो इसके मज़ीद सेटिंग वगैरह जो आप इस जगह पर आप कर लेंगे। तो इस तरह आपका फेसबुक पे अपने नाम से पेज बन जाएगा। इस पर आप अपनी वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर सकते हैं। जहाँ मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में भी ऑन होगी तो इसके भी आपको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और हमारी काविश आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।